प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कोलकाता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। बता दें कि यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में दिया गया है। इस नए परिसर में 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर यूनिट है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस वर्चुअल उद्घाटन में सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। इधर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि पीएम मोदी जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके कैंपस का हम पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं। मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया कि राजाराट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और उधर में हम लोगों ने सीएम बना दिया था। ये हमको बहुत काम पे आया। प्रधानमंत्री को जानकारी के लिए खुश होगा कि इसमें 25% राशि हम लोग भी स्टेट से खर्चा कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो फंडिंग 25% एंड ऑल्सो रिकरिंग खर्चा जो है ये साल का 71 करोड़, वो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। एक कैंपस करने के लिए 11 एकड़ लैंड हम कैंसर हॉस्पिटल को दिया है। इसी के लिए कोई कोई काम में सेंट्रल स्टेट को एक साथ में काम करने पर, इसी के लिए जब पब्लिक का काम पे आए और पब्लिक को डेवलपमेंट के लिए आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।